गर्भवती उटनी, कनिंग फॉक्स, चीता एंड लायन। एक गर्भवती उटनी अपने साथियों से बिछड़कर जंगल पहुंच जाती है। उटनी के लिए वो जंगल अनजाना था, पर जंगल की सुंदरता देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तब वो अपने बच्चे से कहती है, बेटा ये जंगल कितना सुंदर और मोहक है। हमारे रेगिस्तान में तो चारों तरफ रेत ही रेत रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा जन्म इसी जंगल में हो। तभी उसके पेट में हलचल शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, तुम भी जंगल को देखने के लिए उतावले हो रहे हो, है ना? पर तुम्हें और कुछ दिन सबर करना होगा। उससे पहले चलो, मैं तुम्हें हरी भरी घास खिलाती हूँ। उटनी वही की हरी भरी घास खाते रहती है। तभी वहाँ लोमड़ी और चीता आते हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त रहते हैं। उटनी को देखते ही लोमड़ी कहती है, अरे ये ऊंची गर्दन वाला प्राणी कौन है? मैंने पहले ऐसा प्राणी अपने जंगल में नहीं देखा। अरे लोमड़ी, इसे ऊंट कहते हैं, ये रेगिस्तान में रहते हैं। लगता है ये रास्ता भूल गई है। अरे फिर तो हमें इसका शिकार करना पड़ेगा, नया मांस खाने का आनंद लेना पड़ेगा। और इतना मोटा मांस हमें काफी दिन चलेगा, फिर तो शिकार न करते हुए भी आराम से जी सकते हैं। अरे चुप कर लोमड़ी, वो गर्भवती है, कुछ दिन रुक जाते हैं। जब इसका बच्चा आएगा तो माँ और बच्चे दोनों का मांस खाएंगे, तब तक हम इससे दोस्ती का नाटक करते हैं। दोनों भी हंसने लगते हैं। दोनों भी लालच में आ गए थे। लोमड़ी और चीता उटनी के पास जाते हैं। उटनी दोनों को देखकर डर जाती है। तब लोमड़ी कहती है, अरे रे डरो मत उटनी, हम तो तुमसे दोस्ती करने आए हैं। तुम हमारे जंगल में मेहमान हो ना, और तुम तो गर्भवती हो, इसलिए हम तुम्हें पूरी मदद करेंगे। घबराओ मत, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं तो पल भर के लिए डर ही गई थी, पर तुम दोनों कितने अच्छे हो, मुझ जैसे अनजान को अपना दोस्त बनाया, ये मेरे लिए बहुत है। उटनी लोमड़ी और चीता के साथ रहने लगती है। वो दोनों भी उटनी के साथ अच्छे से बर्ताव करते और उसका ख्याल रखते। उटनी को उन दोनों पर जरा सा भी शक नहीं होता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। उटनी दिन भर खाती पीती, अपने पेट में पलने वाले बच्चे से बातें करती रहती थी। ये सब देखकर अब लोमड़ी को रहा नहीं जा रहा था। ऐसे में एक दिन लोमड़ी चीता से कहती है, अरे चीते, जितना इंतजार ये उटनी अपने बच्चे का नहीं कर रही होगी, उतना मैं कर रही हूँ। पता नहीं कब इस उटनी का बच्चा बाहर आएगा। अरे लोमड़ी, कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तब तक हमें अपना ये नाटक ऐसे ही चलाना होगा। जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, उस दिन उन दोनों का आखिरी दिन होगा। पर तभी वहाँ उटनी आती है। वो सारी बातें चुपके से सुन लेती है। ये सब सुनकर उसे तो सदमा ही लग जाता है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा। अच्छा हुआ जो मुझे सही समय पर इसका पता चल गया। बच्चे, मैं तुम्हें इन धोखेबाजों के हाथों से मरने नहीं दूंगी। चलो हम अभी ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं। उटनी किसी को कुछ बताए वहाँ से भागने लगती है, पर लोमड़ी और चीता उटनी को भागते हुए देख लेते हैं। उन दोनों को समझ आता है कि उटनी को उनकी सच्चाई पता चल गई है। तब वो दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते लोमड़ी कहती है, अरे उटनी कहाँ भाग रही हो, कितना भी भाग लो पर अब तू हमसे बच नहीं पाओगी। उटनी को भागते भागते प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उसमें अब भागने की शक्ति नहीं रहती। वो एक जगह पर रुक जाती है। हे भगवान, अब तू ही हम दोनों को बचा सकता है, भगवान हमारी मदद करो। उटनी उसी वक्त एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। लोमड़ी और चीता पास आकर उस पर हंसने लगते हैं। तब उटनी दोनों के सामने अपने बच्चे के जान की भीख मांगने लगती है। लोमड़ी, चीता, मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो पर इसे छोड़ दो, बिचारे ने तो ठीक से आंखें भी नहीं खोली है अभी तक। उटनी दोनों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है।
पर उन दोनों के निर्दयी दिल में दया जाग नहीं उठी। वो दोनों पहले बच्चे पर हमला करने जाते हैं, पर तभी वहाँ जंगल का राजा शेर आता है। बीच में आकर वो दोनों से कहता है, मैंने तुम दोनों को ऊंटनी के पीछे भागते देखा, तभी मुझे तुम दोनों पर शक आया। तुम दोनों तो किसी के भरोसे के लायक ही नहीं हो। अब तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। शेर दोनों के साथ लड़ाई करता है। वो दोनों घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह से उटनी और उसके बच्चे की जान बच जाती है। उटनी शेर का धन्यवाद करते हुए कहती है, आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। आपकी वजह से मेरे मासूम बच्चे की जान बच गई। आप तो मेरे लिए भगवान हो भगवान। तब शेर खुद उटनी और उसके बच्चे को उसके झुंड तक सही सलामत पहुंचा देता है। अपने झुंड से मिलकर उटनी बहुत ही खुश हो जाती है। उटनी अब खुशी से अपने झुंड में अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। चालाक बंदर और तालाब। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था, जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था, जो कि अक्सर उस तालाब के इर्द गिर्द रहा करता था। कुछ समय अच्छा चल रहा था कि अचानक दूसरे जंगल से एक जगुआर आया और उसने उस जंगल पर कब्जा कर लिया और उसने बोला, आज के बाद अगर कोई भी जानवर मेरी अनुमति के बिना इस तालाब से पानी पीने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब सभी जानवर धीरे धीरे तालाब से पानी पीने में डरने लगे और जगुआर आराम से वहां पर रहने लगा। अकेले कुछ समय बीत जाने के बाद कुछ दिनों बाद उस जंगल में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से सारी दूसरी नदियां सूख गई, लेकिन सिर्फ वो तालाब बच गया और उसमें पानी भी था। लेकिन जानवर जगुआर के डर से उसमें पानी पीने नहीं आते थे। एक दिन उन सभी जानवरों ने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम लोग ये जंगल छोड़कर ही चले जाएं। ऐसे यहाँ कब तक रहेंगे? अगर हम पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। ऐसे जी के क्या फायदा? सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे, लेकिन बंदरों का एक झुंड वहां पर था। वो जंगल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें उस जंगल से जुड़ी थी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे। अब हम सब मिलकर तालाब के पास उस जगुआर से विनती करेंगे, उसे पानी पीने देना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में अकाल पड़ने से सारी नदियां सूख गई हैं। ऐसे कैसे वो हमको पानी पीने नहीं दे सकता? हम अपना जंगल क्यों छोड़ें? हम यहाँ पर बड़े हुए हैं, हमारी कितनी सारी यादें इस जंगल से जुड़ी हैं। हम बंदर ये जंगल नहीं छोड़ेंगे। बंदरों के झुंड ने जगुआर से बात की, लेकिन उस जगुआर ने मना कर दिया। मैंने कहा ना, मेरी अनुमति के बिना तुम सब यहाँ पानी नहीं पी सकते और मैं तुम सबको यहाँ अनुमति नहीं देता हूँ। अगर तुम दोबारा यहाँ आए तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये सुनकर बंदरों का जो सरदार था उसने बोला, ये जगुआर दूसरे जानवरों को परेशान कर सकता है, लेकिन हमें नहीं, हम पेड़ों पर रहते हैं। बंदरों का सरदार सभी बंदरों से बोला, तुम लोग आओ और जंगल में जाकर पुराने सूखे बांस ले आओ, पतले पतले, और उन्हें फूंक करके उनके अंदर गांठ निकाल दो। सभी बंदरों ने ऐसा ही किया। अब वो सारे बांस के डंडे एक सूखे पतले पाइप की तरह लगने लगे थे। अब जब भी बंदरों को पानी पीना होता, वो तालाब के किनारे बने पेड़ों पर एक झुंड बना लेते। जैसे ही जगुआर एक तरफ से बंदरों को हकाता, दूसरी तरफ के बंदे उस बांस के बने पाइप से पानी में डालकर पानी पी लेते। जब जगुआर इस तरफ आता तो बंदर उस तरफ से पानी पी लेते। धीरे धीरे जगुआर परेशान होते गया और वो जंगल छोड़कर चला गया। उसके बाद सभी जानवर हंसी खुशी वहां रहने लगे।
तो देखा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक दिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।